क्या होगा अगर आप एक सेकंड के लिए वोल्केनो में गिर जाते हैं. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. हमारे साथ रहिए कुछ ही मिनट्स के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं दुरियाब अजीज और आप देख रहे हैं एवरीथिंग सिंप्लीफाइड. हमारी वीडियो का टॉपिक आपको पहले से ही पता चल चुका है, तो मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं वोल्केनो के बारे में कुछ फैक्ट्स और देखते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है. एक एक्टिव वोल्केनो का टेम्परेचर 700 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और एवरेज में वोल्केनोस का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है. वोल्केनो में मौजूद लावा मोल्टन रॉक्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि जब पत्थर और चट्टानें पिघलते हैं तो वो लावा बन जाते हैं. इसके साथ साथ लावा में कुछ एलिमेंट्स और मेटल्स भी बहुत छोटी मिकदार में पाए जाते हैं, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन वगैरह शामिल हैं. 2007 में एक शख्स एक्सीडेंटली लावा में गिर गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो बचने में कामयाब हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली लावा में नहीं बल्कि उसके करीब गिरा था और उसके बाजुओं पर जलने के कुछ निशान आए और फर्स्ट एड के बाद उसको बचा लिया गया था. और उसके बचने की दूसरी वजह यह भी थी कि जिस लावा में वो गिरा वो नेट्रोकार्बोनाटाइट लावा था. ये लावा की ऐसी किस्म है जो कि हवा के साथ मिलने पर जल्दी ठंडा हो जाता है और इसका टेम्परेचर आम लावा से आधा होता है, यानी कि फिगर्स के मुताबिक इसका टेम्परेचर 510 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन हो सकता है कि आप इतने खुशकिस्मत ना हो पाएं. इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि शायद आप वोल्केनो के करीब भी ना पहुंच पाएं बिकॉज इसके आसपास का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है एंड सराउंडिंग में मौजूद टॉक्सिक गैसेज से आप सफोकेट भी हो सकते हैं. लेकिन इस सब के बावजूद आप बहुत ही ज़्यादा ढीठ हैं और समहाउ आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने फिरने या फिर फोटोशूट करने पहुँच जाते हैं और आप अपने दोस्त की एक बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल खूबसूरत नहीं आने वाली और गलती से आपका पाँव फिसलता है और आप वोल्केनो में जा गिरते हैं. जिस दौरान आप नीचे गिर रहे होंगे ये भी हो सकता है कि वोल्केनो से इमिट होने वाली रेडिएंट हीट की वजह से ही आप जलकर राख हो जाएं और वोल्केनो की तह तक सिर्फ आपकी जली हुई हड्डियाँ ही पहुँचें. यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि लावा पानी से 1000 से 1,000,000 टाइम्स ज़्यादा विस्कस हो सकता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप हाई डेंसिटी लावा में गिरते हैं तो सिर्फ हड्डियाँ टूटने की वजह से भी आपकी मौत वाकई हो सकती है और लावा में गिरने के बाद आप बहुत स्लोली सिंक होंगे और चंद ही सेकंड्स में आपकी बॉडी गायब हो जाएगी, लेकिन लिटरली एक सेकंड से तो ज़्यादा ही लगेगा और आपकी हड्डियाँ भी राख बन जाएंगी. तो आपने अगर किसी मूवी में हीरो को वोल्केनो से किसी को रेस्क्यू करते देखा हो तो समझ लीजिएगा दे लाइक टू अस. मेरा आपको मुखलिस मशवरा यही है कि वोल्केनो पे घूमने फिरने जाने का आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए और एज अ टूरिस्ट प्लेस भी ये अच्छी जगह बिल्कुल नहीं है. इस वीडियो को देखने का शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. आई एम वेटिंग गाइज, डू इट नाउ. चलें, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड स्टे अपडेटेड टू आवर चैनल. फ्यूचर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली हैं. थैंक यू वेरी मच.